नमस्कार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता है प्यारे बच्चों बी ए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इस पुस्तक का हम आज अध्ययन कर रहे हैं इस पुस्तक में आज हम आतंकवाद के कारणों के बारे में बात करते हैं आतंकवाद का शाब्दिक रूप से टेरर, आतंक जो एक लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है और रोमन समूह की भाषाओं में जड़ जमाने के बाद यह शब्द यूरोप की अन्य भाषाओं में प्रचलित हो गया इस शब्द की उत्पत्ति टेरिज्म आतंकवाद और एक्ट ऑफ टेररिज्म आतंकवादी कृत्य अब बहुत प्रचलित हो गया आतंकवाद में जो आज देश में आतंक की जो गंभीर स्थिति है वह स्थिति उन मूलभूत कारणों से संबंध रखती है जो हमें सोचने के लिए बाध्य करती जिन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवाद को जन्म दिया और आतंकवाद और आतंकवादी व्यवहार के अनेक कारक रहे हैं कारण रहे हैं जिनके बारे में आज बात करते हैं जैसे सामाजिक कारण थे सांस्कृतिक आर्थिक और कानूनी और पुलिस तथा प्रशासनिक कारण ऐसे मूलभूत कारण है जिससे टेररिज्म बढ़ता है आतंक बढ़ता है आतंकवाद से मुक्ति या आतंकवाद को नियंत्रित कर पाना तभी संभव है जब हम सतही उपचार का प्रयत्न करें मतलब उसको नीचे से ही समाप्त करने का प्रयत्न करें और आतंकवाद के लिए उत्तरदायी जो मूलभूत कारण है उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिससे आतंकवाद बढ़ा है या आतंकवाद की प्रवृत्ति बढ़ी है देखो एक चीज आती है बच्चों कि जब किसी व्यक्ति को समुचित न्यायोचित लाभ या अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती है तो वो ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए बहुत होने लगता है किसी व्यक्ति का या समुदाय का शोषण होता है तो वो अपनी इच्छाओं के आधार पर आतंक में लिप्त होने लगता है पहला हम बात करते हैं शोषण और अन्याय की प्रवृत्ति कोई भी जो विवेकशील प्राणी है किसी भी रूप में आतंकवाद और आतंकवादी तौर तरीकों का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करता है एक समझदार व्यक्ति आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करता है लेकिन यह तथ्य है कि आतंकवाद इस स्थिति के लिए केवल आतंकवादी ही दोषी नहीं है इस देश में सदियों से अन्याय और शोषण तो चला ही आ रहा है हमारा जब भारत आजाद हुआ उससे पहले ले या उसके बाद सदियों से शोषण रहा स्वतंत्रता जब हमें उन्नीस में जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और हमारा जो संविधान लागू हुआ 26 नवंबर उन्नीस को उसके बाद से हालांकि इनमें थोड़ी सी कमी आई लेकिन हमने आर्थिक सामाजिक न्याय के स्थान के जो स्थान दिया संविधान में सामाजिक आर्थिक न्याय और उसके बारे में हमने खूब कदम भी उठाए और कार्य भी किए परंतु उन लोगों को जो उससे प्रभावित हैं उनको वो नहीं मिला जो राज्य विधानमंडलों ने अनेक भूमि सुधार कानून लागू किए थे लेकिन उनसे भी कोई काम ठीक नहीं रहा भारतीय संघ के अनेक राज्यों में जो भूमिहीन श्रमिक किसान रहते हैं श्रमिक रहते हैं उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और भूमि सुधार कानूनों का लागू होना नक्सलवादियों आतंकवाद का, का प्रमुख कारण रहा जैसे हम जाते हैं बिहार की तरफ बिहार और आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में और कुछ अन्य राज्यों सहकारी समितियां हैं और धार्मिक ट्रस्टों के नाम पर तब भी जमींदारी बनी हुई है वहां पर और भूमिहीन मजदूरों तथा उनके नेताओं ने सही या गलत का रूप में यह समझ लिया है कि संगठित असंगठित हिंसा ही उन्हें आर्थिक सामाजिक न्याय दिला सकती है असंतोष बच्चों बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है कि उस समस्या में ही समस्या उत्पन्न होती है यूं कहें कि भूखा पेट जो होता है वो हमें अपराध करने के लिए होता है कभी फिल्मों का डायलॉग सुना होंगे आपने कि साहब ये तो पापी पेट का कारण है ये तो पापी पेट है मतलब ये माना जाए कि व्यक्ति को रोजगार अति आवश्यक होता है और उसको जब उसके इच्छित रोजगार नहीं मिलता है उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति ऐसी आपराधिक कृत्यों में लिप्त होने लगता है और वो धीरे धीरे आतंकवाद की श्रेणी में आने लगता है शिक्षित बेरोजगारों बेरोजगारी जो है हमारे यहां और एक है अर्ध शिक्षित बेरोजगारी इनमें जो युवक हैं उनमें तरह बड़ा असंतोष है हम माने कि भारत में एक करोड़ अस्सी लाख तो शिक्षित, शिक्षित बेरोजगार हैं और शिक्षित और अशिक्षित पूर्ण बेरोजगार और अर्ध बेरोजगार सब कुल मिलाकर तो पंद्रह करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाते हैं बेरोजगारी की स्थिति आतंकवाद का बड़ा आधार है जब नवयुवक वर्ग यह देखता है कि योग्यता के बावजूद उसे अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं होती है और कठिन मेहनत मजदूरी या नौकरी के आधार पर सम्मान और सुविधाजनक जीवन जी पाना बहुत कठिन है और वे यह भी देखते हैं कि तस्कर और नशीले पदार्थों के व्यापारी मौज कर रहे हैं तो वे इन कार्यों की ओर आकर्षित होते हैं ये तथ्य है कि तस्करी नशीले पदार्थों का व्यसन और व्यापार तथा तो आतंकवाद में सीधे संबंध की स्थिति है आतंकवादी तस्करों का अपने लिए प्रयोग करते हैं और तस्कर आतंकवादियों का हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों के व्यसन से ग्रस्त नवयुवक आतंकवादियों के हाथ की कटपुटली बन जाते हैं और आतंकवादी गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ जाती अगला अवैध शस्त्र निर्माण और अस्त्र भंडार आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है यह है कि भयानक और आधुनिकतम अस्त्र अवैध रूप से प्राप्त कर लेता है बहुत अधिक सरल हो जाता है जब कश्मीर के आतंकवादियों के पास देसी और विदेशी हथियारों की भरमार पर दस वर्षों से समाचार छप रहे हैं मगर वास्तविकता तो यह है कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक शायद ही कोई राज्य हो जहां अवैध हथियारों के निर्माण का धंधा न होता हो अभी कुछ ही समय पहले शियोनी से तीस किलोमीटर दूर कठियावाड़ा गांव में बंदूकों का एक कारखाना पकड़ा गया उसमें बारह बोर की बंदूकों देसी पिस्तौलों और रिवॉल्वरों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के हथियारों के निर्माण के लिए काफ़ी आधुनिक यंत्र मौजूद थे जम्मू की सीवा गन फैक्ट्री का मामला अभी अधिक पुराना नहीं पड़ा है भारत में तो यह स्थिति है कि अत्यंत आधुनिक प्रकार के हथियारों चोरी छिपे खरीदते हैं हथियारों को चोरी छिपे खरीदते हैं जिसमें एक फोर्टी सेवन का नाम सुना होगा एम वन अमेरिकी मशीनी पिस्तौल जैसे अत्यंत घातक हथियार भी आते हैं हमारे भारत में अगला शासक और शासित में संवादहीनता की स्थिति और शासक वर्ग की संवेदन शून्यता लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासक और शासित के बीच नियंत्रण संपर्क की स्थिति बनी होती है शासन में जनता के दुख दर्द के प्रति संवेदनहीनता या संवेदनशीलता होनी चाहिए और जनता को विश्वास होना चाहिए कि चाहे कुछ समय लग जाए लेकिन शासक वर्ग उनकी बात पर विचार करेगा ऐसी स्थिति या हो तो जनता धैर्य नहीं खोती है और उचित मार्ग पर बनी रहती है लेकिन ये तथ्य है कि भारत के शासक वर्ग में संवेदनशीलता का नितांत अभाव वे तो विलासता और शांत शोकत के घेरों में बंद है इस बारे में रजनी जी लिखते हैं कि राज्य और राजसत्ता का अभिजन वर्ग के छोटे से गुट द्वारा अपहरण कर लिया जा गया और उनके द्वारा राजसत्ता का प्रयोग अपने ही विशेष अधिकारियों और स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है जो थिंकर है माइनर विनर वो लिखते हैं भारत में सरकार दबाव गुटों की मांगों पर उस समय तक ध्यान नहीं देती है जब तक कि जन आंदोलनों के माध्यम से वे अपनी शक्ति का परिचय नहीं देते हैं सरकार मांगों को इसलिए नहीं मानती है कि वे न्यायचित अभी अपितु इसलिए मानती है कि मांग करने वाले समूहों ने शासन को ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया दलीय राजनीति चुनावी राजनीति और शासक वर्ग द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग आज के आतंकवाद के लिए है यदि किसी एक तत्व को सबसे अधिक प्रमुख रूप से उत्तरदायी ठहराया जाए तो वह दलीय राजनीति चुनावी राजनीति और शासक वर्ग द्वारा संवैधानिक साधनों का दुरुपयोग है आज हमारे राजनीति हमारे समस्त जीवन पर छा गई है और राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक संभ्रांत वर्ग के संबंध में स्थिति यह है कि वे चुनाव जीतने के लिए कोई भी मार्ग अपनाने से नहीं चूकते हैं राजनीति में संलग्न व्यक्ति व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए अपराधी एवं आतंकवादी तत्वों को आश्रय देते हैं एवं उन्हें प्रोत्साहन करते हैं और शासक दल द्वारा विपक्षी दल सभी चुनावी राजनीति के मोहरे के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करने की बात सोचते हैं और करते भी यह बात दूसरी है कि एक बार राजनीतिकों का सारा पाकर आतंकवादी तत्व स्वयं को आश्रय देने वाले राजनीतिकों के लिए भी संकट का कारण बन जाते हैं। हम ये देखते हैं कि राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू लागू करने का प्रावधान जो अनुच्छेद तीन सौ छप्पन का प्रयोग होता है पंजाब की स्थिति यह रही है कि जब कभी वहां विपक्षियों की सरकार बनी तो केंद्र के शासक दल ने या तो छल से राजनीति को अपनाकर उसे गिरा दिया है या किसी न किसी बहाने से उसे बर्खास्त कर दिया जो वहां पर जो खालिस्तान की मांग है को प्रत्यक्ष या प्रोक्ष रूप से वहां के लोग समर्थन करते हैं भारत में सिखों का के दमन की बात कहने लगते हैं इस और जम्मू कश्मीर राज्य में उन्नीस में फारूक अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त करने का कोई उचित उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं था और 21 फरवरी उन्नीस को राज्यपाल रोमेश भंडारी द्वारा उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को उसे अपन, अपना अपना बहुमत सिद्ध करने का मौका दिए बिना ही बर्खास्त करना लोकतांत्रिक मान्यताओं और संवैधानिक मर्यादाओं का स्पष्ट उल्लंघन था सर्वव्यापक भीषण भ्रष्टाचार शासक वर्ग की कथनी और कथनी में भेद तथा नैतिक आदर्शों का नितांत अभाव भ्रष्टाचार तो सदैव से ही था हमारे भारत में भ्रष्टाचार तो सदैव से था विश्व के अन्य देशों में भी इस बारे में छिपे नहीं है भ्रष्टाचार सब जगह मिलेगा आप चाहे कहीं भी चले जाएं भ्रष्टाचार भारत में अत्यधिक व्यापक रूप में और उच्चतम स्तर से लेकर निम्न स्तर तक हमें भ्रष्टाचार के तत्व मिल जाएंगे जो नवयुग वर्ग है वो राजनीतिज्ञों और अन्य जो पैसे वाले लोग होते हैं और उनकी जो शान शोकत को देखकर बहुत शक्य रहते हैं राजनीतिज्ञों उच्च नौकरशाहों और उद्योग तथा व्यापार से जुड़े व्यक्तियों के आचरण को देखकर उनके मन मानस में देश हित की भावना कमजोर हो जाती है तो तथा नैतिक अनैतिक का प्रसन्न उनके मन और दिमाग से खत्म हो जाता है शासक वर्ग जो है वो क्या करता है कि वह अपनी कत्नी और कत्नी में भेद कर देता है जब चुनाव आते हैं तब वो बड़े बड़े लुहाब ने वादे किए जाते हैं आपको याद होगा सवा करोड़ वेकेंसियां प्रति ईयर किसी शासक ने कही थी एक करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल आपको दी जाएंगी पता लगा नौकरियां तोड़ दी नवयुक वर्ग ये देखता है कि तस्कर और जो माफिया अपराधित तो द्वारा आतंकवाद के साथ जुड़कर थोड़े समय में ही पैसे वाले बनने की भ्रांति उनमें उत्पन्न होने लगती है और वो अपनी नैतिकता को छोड़ देते हैं प्रशासन की विभिन्न इकाइयों में संयोग का अभाव और कानून तथा तो तो न्याय व्यवस्था में कमी एक बार आतंकवाद का उदय होने के बाद उसे समाप्त कर पाना तभी संभव हो जाता है जब प्रशासन की विभिन्न इकाइयां विभिन्न राज्यों के पुलिस बल सीमा सुरक्षा बलों और आवश्यकता अनुसार अर्धसैनिक बलों में उचित संयोग हो गुप्तर एजेंसियां कुशल हो राजनीतिक कार्यपालिका की कोई स्पष्ट नीति हो यह स्पष्ट निर्देश देने में समर्थ हो और न्याय व्यवस्था ऐसी हो कि आतंकवादी तत्काल दंडित हो और अपराधी शीघ्र मुक्ति प्राप्त करें भारत में तो इसमें से कोई बात नहीं आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास का भाव। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक असंतुलन पाया जाता है। महाराष्ट्र अपेक्षाकृत संपन्न राज्य है लेकिन महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से बहुत पीछे है असम में पेट्रोल जैसी प्राकृतिक संपदा है लेकिन इस प्राकृतिक संपदा का लाभ असम को बहुत ही कम अंश में मिला है बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों उत्तर पूर्वी राज्यों के सात राज्यों और तेलंगाना क्षेत्र आदि के विकास की ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया जम्मू कश्मीर राज्य और उत्तर पूर्व के भारत के सात राज्यों में केंद्र सरकार पिछले वर्षों में अरबों खरबों रुपए का अनुदान दे चुकी लेकिन इन क्षेत्रों में कुछ बड़े उद्योगों और अनेक कुटीर उद्योगों उद्धो का जाल बिछाकर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और जम्मू कश्मीर राज्य तथा उत्तर पूर्वी भारत में संवेदनशील राज्यों को आर्थिक दृष्टि से अपने ही पैरों पर खड़ा करने की और हमारा ध्यान नहीं गया है आतंकवादियों को विदेशों से प्राप्त आर्थिक हथियार और सहायता आज विश्व के अनेक देशों आतंकवाद से पीड़ित हैं ऐसी स्थिति में होना यह चाहिए कि विश्व के विभिन्न देशों कि सरकारें आतंकवाद को बंद करने या आतंकवाद को समाप्त करने में एक दूसरे का सहयोग करें। लेकिन स्थिति यह है कि अनेक देशों की सरकारें आतंकवादियों को प्रशिक्षण देती है शस्त्र सामग्री देती है और उनको शरण देती है और शरण देकर के आतंकवाद को प्रोत्साहित करती है भारत के आतंकवादी गुटों को विदेशी शक्तियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन प्राप्त है जो इस छठी सातवें दशक उत्तर पूर्व में नागा और मिजो विद्रोहियों को पड़ोसी देश चीन और बर्मा तथा पश्चिम की कुछ थित धार्मिक संस्थाओं से नैतिक और आर्थिक समर्थन तथा सहायता मिलती थी। आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियों का आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए तत्कालीन कानूनों में संशोधन कर उन्हें अधिक सशक्त बनाया गया और सरकार को आतंकवाद से लड़ने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए पहला संशोधन भारतीय दंड संहिता के धारा में किया गया, जिसमें सरकार विरुद्ध किए गए कार्य को राजद्रोह माना गया राजद्रोह के लिए सजा बढ़ाकर उसे उम्र कैद कर दी गई दूसरा संशोधन शस्त्र कानून में किया गया अशांत क्षेत्रों में जिस किसी के पास बिना लाइसेंस या अधिकार के अस्त्र पाए गए जाएंगे उन्हें तीन वर्ष की सजा दी जाएगी पहले ये सजा छह महीने की थी अशांत क्षेत्रों में निवारक नजरबंदी कानूनों के दायरे में दायरे को और बढ़ा दिया गया अब ऐसी स्थिति है कि कि पुलिस को राजपत्र अधिकारियों को अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए कुछ और अधिकार दिए गए आतंकवाद विरोधी विशेष पुलिस दल और अन्य सैन्य दल की व्यवस्था आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कारगर आतंकवाद विरोधी संगठन जरूरी आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अनेक देशों ने विशेष इकाइयों तो का गठन किया है। अमेरिका ने ग्रीन तथा रेंजर्स का गठन किया। के पास भी आतंकवाद से निपटने के लिए कमांडो बल है यह आतंकवाद विरोधी कमांडो कितने सक्षम है इसका पता तब चला जब इजरायली कमांडो ने एनटीबी हवाई अड्डे पर धाव बोलकर अपने बंदूकों को मुक्त करा लिया भारत में चलते हैं भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए कई कारगर संगठन हैं फिर भी आतंकवादियों से निपटने के लिए केंद्रीय सचिव मंडल का जो अलग से एक सेल बनाया गया था वह भी बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुआ यह सेल रा ए, आर ए डब्ल्यू की एक भूतपूर्व प्रधान के अंतर्गत कर थे हमारे अर्धसैनिक बल जैसे केंद्रीय पुलिस बल सीआरपीएफ सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ असम राइफल्स भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सी भी आतंकवाद की रोकथाम में बुरी तरह न मुख्यतः केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और असम राइफल्स आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में संलग्न है और ये तथ्य है कि हमारे इन अर्धसैनिक बलों के पास विशेषकर तकनीकी और आधुनिक हथियार नहीं है सरकार अब तक आतंकवाद से संघर्ष के लिए विशेष तौर पर बनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों को बढ़ाने पर जोर दे रही है आतंकवाद निरोध अध्यादेश 2001 में पोटो और दो हजार चौबीस अक्टूबर दो को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू कर दिया गया इस अध्यादेश में आतंकवाद की व्यापक परिभाषा दी गई पोटो के अंतर्गत अधिकतम मृत्युदंड तथा न्यूनतम पांच वर्ष के कैद का प्रावधान किया गया तीन प्रमुख संशोधनों के साथ 31 दिसंबर 2020 को एक को से प्रोटो रूप से लागू किया गया संशोधित आदेश को आतंकवाद निरोधक आदेश द्वितीय के नाम से जाना गया इसी कक्षा में इतना ही इसी कक्षा में इतना ही अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी जो आतंकवाद के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी कि जो कोटा था उस पोटो पोटो के अंदर एक वर्ष जो प्रावधान दे रखा है के अंदर गिरफ्तारी में एक वर्ष तक जमानत नहीं मिलेगी और बिना मुकदमे का विचार विचरण के लिए नब्बे दिन तक में रखने का प्रावधान है कतलेआम मचाने वाले आतंकवादियों को मौत की सजा संभव है आतंकवाद की इन कार्रवाई के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी किया गया फिर भी हमारे भारत में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं हम उनका निपटारा भी करते हैं हमारी भारत सरकार बहुत ही सशक्त मजबूत है अभी इस समय हमें आतंकवाद से शांति है, है। वर्तमान समय में कोरोना महामारी है हमें इस पर अमल रखना चाहिए सैनिटाइजर का उपयोग करें मास्क का हमेशा प्रयोग करें सभी का धन्यवाद थैंक्स ऑफ ऑल अगले कक्षा आपसे पुनः मुलाकात होगी और उसमें हम आतंकवाद के जो समाप्त कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करें कि कैसे हम भारत में आतंकवाद की समाप्ति कर सकते हैं सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने के लिए धन्यवाद कोरोना महामारी है इस महामारी में हम इन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आपसे बातचीत होगी कोई आपकी क्वेरीज हो या आपको शंका हो तो क्लास रूप में आप आइए डिपार्टमेंट में आइए पूछिए फोन कीजिए कोरोना महामारी से सतर्क रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद थैंक्स ऑफ ऑल